हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओबीपीडिया। माई सेल्फ अंकुश शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं 1965 की जो वॉर हुई थी उसका सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया का रियल आंसर आता है इस बैटल में, इसका नाम था असल उत्तर। पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी पैटर्न टैंक्स के साथ, ये पैटर्न टैंक्स अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे, उस टाइम के सबसे ज्यादा सुपीरियर टैंक्स थे। पैटर्न टैंक्स के साथ पाकिस्तानी फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, इनका ऑब्जेक्टिव था अमृतसर को कैप्चर करना। इंडियन फोर्सेस ने प्लान किया पहले वो रिट्रीट करेंगे, देन वो काउंटर अटैक करेंगे। ओके, असल उत्तर जो एरिया है यहां पर हमने पोजीशन ली और इस शू शेप में हमने पोजीशन को लिया। ये जो एरिया था फ्रेंड्स, यहां पर शुगर केन के फील्ड से, ओके, इंडियन आर्मी ने इस एरिया में, ठीक है, तो यहां पर पानी को भर दिया, फ्लड यहां पर आ जाती है, ट्यूबवेल वगैरह से पानी को भरा गया था। पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पोजीशन इस एरिया में हमारे सोल्जर्स ने ले ली। पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते हैं, देन जो मड थी उसमें वो फंस जाते हैं, काउंटर अटैक हुआ और उस काउंटर अटैक में अब पैटर्न टैंक्स की ग्रेवयार्ड बनाई जाती है। बैटल ऑफ असल उत्तर के हमारे एक हीरो थे, इनका नाम था वीर अब्दुल हमीद, आप इनको पिक में देख सकते हैं। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी रिकॉयलेस गन, जिसको हम बोलते हैं RCL, आप एक जीप देख सकते हैं उसके ऊपर गन लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं रिकॉयलेस गन, RCL। अपनी रिकॉयलेस गन से वीर अब्दुल हमीद ने एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में पाकिस्तानी टैंक्स ने इनको अपना टारगेट बनाया और वीर अब्दुल हमीद इस वॉर में, इस बैटल में शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ही वॉर चलती रहती है, बट पाकिस्तानी सोल्जर्स का मोरेल डाउन हो चुका था, इंडियन फोर्सेस जो थी इम्बोल्डन थी, एंड हमारा टारगेट था अब लाहौर। सेम टाइम पर वर्ल्ड पावर्स आपको पता है USSR, USA, ये अब एक्टिव हो जाते हैं। वर्ल्ड पावर्स ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया। फॉर एग्जांपल, अब हम इनसे वेपन्स को नहीं खरीद सकते थे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन नंबर था 211, ये आपको याद रखना है, तो रेजोल्यूशन नंबर 211 ये पास किया गया है, एंड पाकिस्तान और इंडिया को बोला गया वॉर को खत्म करिए। इंडिया एंड पाकिस्तान इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं एंड 22nd of September 1965 सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, वॉर खत्म हो चुकी थी। बट क्वेश्चन ये आता है कि वॉर को जीता किसने, एंड पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था क्या पूरा हुआ, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिला। ओके फ्रेंड्स, देन पाकिस्तान डिक्लेयर करता है कि वॉर में उसकी जीत हुई थी और एवरी ईयर 1965 की विक्ट्री को वो सेलिब्रेट भी करता है। फ्रेंड्स, इंडिया क्लेम करता है कि जीत उसकी हुई थी। अगर हम अब डिस्कस करें तो जीत किसकी हुई है, बिकॉज ये जो वॉर थी बीच में खत्म हो चुकी थी, डिसाइसिव विक्ट्री किसी की नहीं हुई थी, दोनों क्लेम करते हैं। न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स फॉर एग्जाम्पल डेनिस कुक्स अमेरिका के एक्सपर्ट हैं। अमेरिकन एक्सपर्ट का कहना है कि जिस टाइम पर वॉर खत्म हुई थी इंडियन फोर्सेस अपर हैंड पर थी, वो पाकिस्तान को आसानी से आगे अब डिफीट कर सकती थी। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है हमारे एक्सपर्ट जॉन की। जॉन की भी सेम बात बोलते हैं कि इंडियन फोर्सेस की पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस टाइम पर, एंड वो पाकिस्तान सकते थे अगर आगे वॉर चलती। ओके, नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट हैं अमेरिका के, इनका नाम है वॉलपर्ट। वॉलपर्ट भी सेम बोलते हैं और बोलते हैं कि इंडियन फोर्सेस लाहौर पर तक जा सकती थी, एंड लाहौर को वो आपका बहुत, आप कह सकते हैं लेवल तक डिस्ट्रॉय कर सकती थी, अगर नहीं भी जीत पा रही देन एक हद तक उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। तो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें जो न्यूट्रल हैं, तो इंडिया की जीत हुई थी। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था पाकिस्तान का, अटैक किसने किया था। पाकिस्तान अपने हिस्ट्री में सिखाता है, बच्चों को भी बताया जाता है कि एवरी टाइम इंडिया ने उसके ऊपर अटैक किया 4 times, बट इसमें आपको क्लियर है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारा रिएक्शन आया था। तो पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो पूरा हुआ, वॉर किसने स्टार्ट की, पाकिस्तान ने। ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम फेल, देन हार किसकी हुई, पाकिस्तान की। ओके फ्रेंड्स, चलिए पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है, हम आगे चलते हैं। वॉर खत्म हो चुकी थी, वॉर खत्म होने के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिक्लेरेशन होता है,
फेमस डेक्लेरेशन, इसको बोलते हैं ताशकंद डेक्लेरेशन। ओके फ्रेंड्स, ये डेक्लेरेशन साइन होता है जनवरी 1966 उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान इसको अटेंड करते हैं। इस डेक्लेरेशन में दोनों ने डिसाइड किया, दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों कंट्रीज अच्छे रिलेशन, गुड रिलेशन बनाएंगी। ओके, जैसे डेक्लेरेशन में साइन किया जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट यह था कि अच्छे रिलेशन हम रखेंगे आगे से। नेक्स्ट थिंग, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो एरियाज थे, फॉर एग्जाम्पल 5th of August 1965, अगस्त में हमारा ऑपरेशन, सॉरी पाकिस्तान का ऑपरेशन लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो उससे पहले जो भी पोजीशन थी इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस की, उस पर वो वापस लौट जाएंगे। 5th of August 1965 से पहले वाली पोजीशन पर फोर्सेस को जाना पड़ेगा, ये डिसाइड किया गया। दैट मींस जो टेरिटरीज इंडिया ने जीती थी, कैप्चर की थी पाकिस्तान की, वो इंडिया को वापस करनी पड़ेंगी। जो पाकिस्तान ने कैप्चर की थी, वो पाकिस्तान को इंडिया को वापस करनी पड़ेंगी। इंडिया ने जो पाकिस्तान की टेरिटरीज को कैप्चर किया था वो ज्यादा थी, पाकिस्तान ने कम किया था। सेकंड, हाजी पीर पास जो जम्मू कश्मीर में है, यहां से इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च किया गया था, हाजी पीर पास इंडियन कंट्रोल में था, यह हमें वापस करना पड़ा और यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था। नेक्स्ट, इसमें डिसाइड किया गया दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी। ओके, बट आपने देखा क्या इसको मानते हैं, पाकिस्तान करता है इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर, यस करता है। नेक्स्ट थिंग डिसाइड की गई फ्रेंड्स, दोनों कंट्रीज के जो हाई कमिश्नर्स हैं वो अपनी अपनी पोस्ट पर वापस लौट जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट, उसके बाद डिसाइड किया गया जो भी प्रॉपर्टी अगर किसी कंट्री के पास एसेट्स हैं तो वो भी हम वापस करने की बात करेंगे। तो ये था ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन में सबसे बड़ा जो सेटबैक था हमने डिस्कस किया वो था हाजी पीर पास को वापस करना, जहां से फिर से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता था। ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था 10th of Jan को। ओके, एंड 10th of Jan की नाइट को, आप कह सकते हैं कि रात को 11th of Jan को लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनकी डेथ हो जाती है। ताशकंद से लाल बहादुर शास्त्री लौट कर नहीं आते हैं, उनकी डेड बॉडी लौट कर आती है। बोला गया लाल बहादुर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, बट इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, हमें इसके बारे में बताया भी नहीं गया है वास्तव में क्या हुआ था। बिकॉज फ्रेंड्स, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है। इवनिंग में जो मेडिकल चेकअप हुआ था, उनकी हार्ट बीट, उनका बीपी वगैरह सब नॉर्मल था, देन हार्ट अटैक कैसे आ सकता है ये नहीं बताया गया, अभी तक क्लियर नहीं है। बट जो भी था, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे हमारे पास, उनकी डेड बॉडी इंडिया आती है और इंडिया में आप कह सकते हैं कि एक शोक का माहौल था, लोग परेशान थे। हमने बहुत जल्दी एक दूसरा लीडर लाल जवाहरलाल नेहरू के बाद एक दूसरा लीडर लाल बहादुर शास्त्री इनको खो दिया था। बट लीडर आते हैं जाते हैं, कंट्री रहती है, हमें आगे बढ़ना था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। 71 की वॉर होती है और उसमें हमने पाकिस्तान को अपनी रियल पावर का एहसास कराया। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।